यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस लेक्चर में अपने एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपोल एक्सपेंशंस पढ़े थे। डायपोल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंड्यूस पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन ड्राइव किए थे। आज मैं एक स्पेशल मीडियम पोनरेबल मीडियम, इट ऑल्सो नॉट परफेक्टली डायरेक्टिक बट ऑल्सो हैव द टू टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री एक्सिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अपन ड्यू टू दिस मीडियम जैसे माइक्रोस्कोप क्ली स्टडी, देखो अपने पास स्टडी का रीजन दो होता है, माइक्रोस्कोपिकली और एक होता है माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, माइक्रोस्कोपी की स्पेशली जो स्टडी होती है उसके अंदर टोटल ऑल ओवर एवरेज ऑफ द मीडियम इंड्यूस फील्ड को इंक्लूड किया जाता है। जब माइक्रोस्कोपिकली के अंदर जो मीडियम के कंसिस्ट जो स्मॉल रीजन्स है वहाँ पर जो सोर्स इंड्यूस रीजन्स है जैसे आयंस है उनकी इंडिविजुअली स्टडी की जाती है। तो अपन माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक मीडियम से कंडक्टर में अपन टोटल फ्री चार्ज इज स्टेइंग ऑन द बाउंड्री बट इनसाइड इज ऑल्सो विद द आयनिक पार्टिकल्स आर कंसिस्ट, तो वो आयनिक पार्टिकल कंसिस्ट रीजन्स आर द इंड्यूस द माइक्रो फील्ड बट एवरेज टोटल ड्यू टू इंड्यूस जो बॉन्ड सिस्टम जो अपने पास बॉन्ड चार्जेज हैं उनके द्वारा इंड्यूस एवरेजली जीरो होते हैं। तो अपन यहाँ मैं माइक्रोस्कोपिकली अपन पास एक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए मैं एक इक्वेशन होता है ई, मान लो माइक्रो फील्ड के लिए इज सेटिस्फाई द डेल क्रॉस ई, इलेक्ट्रोस्टैटिकली फील्ड के लिए कंडीशन है डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो। तो इफ ऑल एवरेज वैल्यू फॉर द ऑल मैक्रोस्कोपिकली आल्सो बी डिफाइंड इज इक्वल टू जीरो, ये अपन मैक्रोस्कोपिकली भी डिफाइंड कर सकते हैं। तो अपने मीडियम के अंदर पोनरेबल मीडियम में जिसमें दो चार्ज टू टाइप के चार्ज कंसिस्टेबल रीजन्स हैं, मतलब उसके अंदर मान लो कि एक बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है और फ्री एक्सिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप में होता है। बॉन्ड चार्जेस क्यों होता है, एक एटम है और उस एटम का जब अपन चार्ज दो टाइप के इंक्लूड होते हैं इसमें टू टाइप चार्जेज आर कंसिस्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर सेंट्रेड ऑफ सेंटर्स आर द कोसाइन ईच अदर। तो अपन इस टाइप का जो फॉर्म होता है इसके ऊपर जब फील्ड या अपन को डिस्टर्बेंस देते हैं तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, बस दोनों के सेंटर्स क्या हो जाते हैं थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहां पर प्रोसेस द डाइपोल मोमेंट। ये क्या प्रोसेस करता है, डाइपोल मोमेंट प्रोसेस करता है। तो डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल ऑल एवरेज ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द जीरो होता है। ठीक है, तो अपन एक डायपोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री चार्ज एक्सिस से इंक्लूड सिस्टम को अपन पोनरेबल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन डिफाइंड की जाती है। तीन क्वांटिटी होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्रोस्कोपिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल डी होता है, एक फ्री चार्ज रो होता है। ठीक है, फ्री चार्ज रो और एक बॉन्ड चार्ज होता है बी, इस फ्री चार्ज से रिलेटेड कैपिटल डी होता है, बॉन्ड चार्ज से रिलेटेड कैपिटल पी होता है। ठीक है, स्मॉल पी कैपिटल पी में एक डिफरेंस होता है, स्मॉल पी इज डिफाइन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द ईच रीजन एंड मोलिकुलर एंड कैपिटल पी इज द डिफाइंड इज द डाइपोल मोमेंट डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्लोज मोमेंटम डाइपोल मोमेंटम। तो इस कैपिटल पी डी और ई के रिलेशन को मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन कहते हैं। तो अपन एक लेट कंसीडर करते हैं कि रीजन इज द एक्स डैस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलरली एक्स डैस इज नॉट ओनली कोऑर्डिनेट इज एक्स बट द रीजन इज द एक्स डैस, एक स्मॉल वॉल्यूम इज डी वी डैस। ठीक है, इन दिस इनक्लोज द बॉन्ड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी इज कैपिटल पी एक्स डैश, मतलब कैपिटल इज द डाइपोल मोमेंट डेंसिटी एंड कंसिडर द फ्री चार्ज डेंसिटी इज द रो एक्स डैश इन दिस वॉल्यूम।
पूरे कॉन्ड्रेबल मीडियम का एक माइक्रोस्कोप के लिए स्मॉल रीजन, इन्फाइनिटली स्मॉल रीजन की बात करते हैं, एक डेल्टा वी डैश एट पोजिशन एफ डैश, ठीक है, इसके अंदर फ्री एक्सिस चार्ज इज द रो, ठीक है, एंड पोलराइजेशन डेनिसिटी इज द कैपिटल पी, इज द डिनोट द डायपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, जो बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन है। तो अपन किसी पॉइंट के ऊपर डेल फाई निकालना चाहते हैं एट पॉइंट, मान लीजिए इस पी है एट पोजिशन एक्स, ठीक है, तो मतलब एक्स एंड एक्स डैश का फंक्शन होगा फाई एक्स, मतलब फाई है पोटेंशियल ड्यू टू द बोथ आर टाइप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पोंडरेबल मीडियम एट पॉइंट एक्स, और एक्स डैश पर दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्स अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली पोटेंशियल की डेफिनेशन के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ कॉन्स्टेंट के ले लिया, कूलम्ब कॉन्स्टेंट के यहाँ पर रो चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज डेल्टा वी डैश आ जाएगा, डिस्टेंस अपनी यहाँ से कितनी है एक्स माइनस एक्स डैश का, ये तो क्या आ गया, ये जो टर्म है वो ड्यू टू द फ्री चार्ज एक्सिस पोटेंशियल, और फ्री एक्सिस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट है जो डायपोल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डायपोल वाली डेफिनेशन से ये कैपिटल पी का फॉर्म दे रखा है, जो फंक्शन किसका है एक्स डैश का, डॉट यहाँ आर आर केफ नोट करते हैं अपन पी डॉट आर केफ में, ठीक है, ये कैपिटल पी तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में लेने से स्मॉल पी आता है अपने पास, ठीक है, कैपिटल पी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो अपन मैं यहाँ पर कूलम्ब कॉन्स्टेंट के लेगा तो डिस्टेंस कितनी है एक्स, लेकिन ये पावर में क्यूब, यदि स्क्वायर आता है जहाँ पर यहाँ यूनिट वेक्टर होता है, और डेल्टा डिटेस। तो ये सेकेंड टर्म इज डिनोट द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द मीडियम, बॉन्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मीडियम, तो मतलब इन दिस पोंडरेबल में टू टाइप ऑफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू दिस टाइप सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स इज द गिवन बाय द टू टर्म्स आर सुपरपोजिशन से नोट किया जाता है। तो टोटल पोटेंशियल फाई एक्स इन्फाइनिटली स्मॉल, सो इंटीग्रेशन टेक कर ले पूरे टोटल वॉल्यूम के लिए, एंड टेक द इंटीग्रेशन कूलम्ब कॉन्स्टेंट के 1.4 pi से नोट भी लिख सकते हैं, मैं के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, रो एक्स डैश डी वी डैश मतलब वॉल्यूम एलिमेंट, ये इसको अपन कोऑर्डिनेट टर्म में डी एक्स थ्री डैश भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट को कोऑर्डिनेट टर्म्स में अपन, जहाँ डिस्टेंस एक्स माइनस एक्स डैश मोड है। सेकेंड इंटीग्रेशन में के वापस कॉमन ले लिया, कैपिटल पी एक्स डैश डॉट एक्स माइनस एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश की पावर टू डी थ्री एक्स डैश, देखिए अपने पास कैपिटल पी एक्स डैश, इसको अपन और एक्सपेंड अपने एक सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोप इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप और सोल्व कर देता हूँ। एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स, तो सेकेंड टर्म में मैं एक एडिशनल थ्योरम यूज कर रहा हूँ, वी नो ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वेक्टर आर अपॉन आर, लेकिन अपन ग्रेडियंट को डैश में ले लूँ वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश ले लूँ, यहाँ आर की जगह एक्स डैश प्राइम पर डिफ्रेंशिएशन है तो नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव एक्स डैश में है, तो मतलब आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश, ये ऊपर वाला कोई स्केलर नहीं है वेक्टर है जनरल नोटेशन में, और नीचे वाला एक्स माइनस एक्स डैश की पावर, तो मतलब है अपने पास इस टर्म पर यहाँ पर अपन ग्रेडेंट वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की वैल्यू लिख सकते हैं,
इंटीग्रेशन पी एक्स एक्स डॉट डेल्टा एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स डी थ्री एक्स एक्स। ठीक है, मतलब अपने पास ये पोटेंशियल के लिए दो टर्म एक्सपेंड है। तो देखिए नेक्स्ट, अपने पास कैपिटल पी एक वेक्टर है और वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश स्केलर है। तो एक स्केलर वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं इसका थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूं कि वी नो डेल फाई ए, फाई इज द स्केलर कोई फंक्शन है, ए इज द कोई वेक्टर फंक्शन है। तो अपने पास दोनों का ग्रेडियंट या अपने यहां देखें तो वॉल्यूम में डाइवर्जेंस लेते हैं, जो वेक्टर का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस क्या होगा, तो अपने पास फाई बाहर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, फिर ग्रेडियंट फाई वेक्टर आइडेंटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग डैश डॉट पी एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश, यहां पी कैपिटल पी वेक्टर में है, पोलराइजेशन डेंसिटी, तो फाई की जगह वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डेल डैश डॉट पी एक्स डैश। सेकेंड टर्म ग्रेडेंट डैश प्राइम वाले पे हैं, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डॉट कैपिटल पी एक्स डैश। अपने पास इंटीग्रेशन में ये है ए डॉट बी, बी डॉट ए बराबर होता है, तो अपन लिख सकते हैं इसको P कैपिटल P x डैश डॉट डेल डैश वन अपॉन x माइनस x डैश इज इक्वल टू डेल डैश डॉट P x डैश x माइनस x डैश माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश। मतलब अपने पास सेकंड इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन टर्म में अपन इस कैप्सल की वैल्यू वहां सेकंड इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो सेकंड इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाए। तो देखिए अपन वैसे रेड वैल्यू रख लो फाई एक्स इज के एक्स माइनस एक्स डेस। ठीक है, पहला एक इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा डैश इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डैश पी एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी थ्री एक्स डैश नेगेटिव के इंटीग्रेशन कैपिटल पी सॉरी यहाँ पर ये आएगा डैश डॉट पी ऑफ एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी थ्री एक्स डैश। तो अपने पास यहां इस वॉल्यूम इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रेशन की देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सेकंड जो इंटीग्रेशन है वो क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं क्लोज सरफेस एस डैश जो वी डैश को इंक्लोज करती है
और यहाँ डायरेक्ट वेक्टर फी एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश डी एस डैश, ठीक है, डॉट में आ जाएगा बस दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए अपन, द पोलराइजेशन इज इंड्यूस ओनली इनसाइड रीजन ऑफ द वॉल्यूम या रीजन ऑन द बाउंड्री पोलराइजेशन इज रिड्यूस टू जीरो। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट तो कैपिटल पी पोलराइजेशन की आएगी और एट द बाउंड्री, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट बाउंड्री पर है तो बाउंड्री टेंस टू इन्फिनिटी मान लो, या कोई भी बाउंड्री है पोलराइजेशन के इनसाइड में इंड्यूस होगा, एट द बाउंड्री रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब एट बाउंड्री, बाउंड्री कैपिटल पी एक्स डैश टेंस टू जीरो, सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज टेंस टू जीरो। मतलब इस वैल्यू की अपने बाउंड्री पर पोलराइजेशन रिड्यूस टू इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो अपन सेकंड इंटीग्रेशन, जो दो इंटीग्रेशन रिमेन बचे हैं, दो इंटीग्रेशन फाइव, पहला पोटेंशियल फाइव एक्सिस पहला के सरफेस इंटीग्रेशन रो एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, लास्ट वाला इंटीग्रेशन के डेल डॉट पी ऑफ एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो, फाइव एक्स के दोनों में कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों में वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, रो एक्स डैश फंक्शन ऑफ एक्स डैश है माइनस प्राइम डॉट पी ऑफ एक्स डैश अपॉन, दोनों में एक्स अपॉन एक्स डैश कॉमन है और दोनों का वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी थ्री एक्स डैश है, एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया अपने। अब दिस इंटीग्रेशन टर्म इज कंपेयर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ दिस पोइसन इक्वेशन मान लें, पोइसन सॉल्यूशन ऑफ द पोइसन इक्वेशन क्या आता है, देखो वी नो डेल डॉट ई इज इक्वल टू होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या द फ्री चार्ज एक्सेस डेंसिटी है रो। इसका सॉल्यूशन ही अपन पोइसन इक्वेशन टर्म में निकालते हैं तो अपने पास फाई इज एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन के रो एक्स डैश और डी थ्री एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश। अपने पास यहां किस टाइप के इंटीग्रेशन का, जब इस टाइप की मैक्सवेल इक्वेशन है इसका ई बराबर फाइव इक्वेशन अपन निकालते हैं ई बराबर माइनस ग्रेडेड फाइव, तो अपने पास ये सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब अपने पास इस इंटीग्रेशन का कंपेयरिंग इससे करें तो यहाँ जो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी बन रही है ये बन रही है इन दोनों को मिला के कंप्लीट, ये इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी है और ये पूरी इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है, मतलब ये टोटल फ्री चार्ज, और यहाँ पर पोलराइजेशन बॉन्ड चार्ज डेंसिटी है और ये फ्री एक्सेस चार्ज डेंसिटी है, टोटल अपन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन की टोटल इनक्लोज चार्ज डेंसिटी से है। तो अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जो टोटल इफेक्टिव फ्री चार्ज डेंसिटी फाइव है इजकल टू, क्योंकि डैश प्राइम डैश का मतलब तो है कि एक्स डैश पर इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंटीग्रेशन होने के बाद तो यहां पर से एक्स का फंक्शन है रो भी एक्स का फंक्शन आएगा। तो अपने पास इफेक्टिव, मैं पहली बार रो एक्स डैश में लिख दूं तो आ जाएगा रो एक्स डैश माइनस डैश डॉट पी ऑफ एक्स डैश, इसको अपन कोई इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी मान लें। तो देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज डिनोट द
फ्री रो इज इक्वल टू, फ्री चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स माइनस डेल डॉट पी एक्स, मतलब इंटीग्रेट होने के बाद में ये तो मतलब इस टाइप की वैल्यू डैश प्राइम में, जैसे मान लो यहां तो रो एक्स डैश है लेकिन यहां रो एक्स ही है तो फाई में रो एक्स ही आएगा, तो यहां अपना पोटेंशियल फाई इसका कंपेयरिंग अपन मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशन से यूज करके इफेक्टिव फ्री चार्ज डेंसिटी रो एफ इज इक्वल टू रो एक्स माइनस डेल डॉट पी एक्स। लेकिन अपन मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें तो डेल डॉट मैक्रोस्कोपिक डेल डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इफेक्टिव चार्ज कितना है रो एक्स माइनस एफ पी एक्स। यदि इस टाइप का सॉल्यूशन तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो इस टाइप का सॉल्यूशन है तो अपन ये लिख सकते हैं, यहां रो फ्री एक्सेस चार्ज है, ये एफ जो था इफेक्टिव था, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं डेल डॉट ई इक्वल टू प्लस एक साइड में प्लस डेल डॉट पी और ये भी वेक्टर में इज इक्वल टू एफ, ये तो फ्री एक्सेस चार्ज था रो अपने जो माना था, इसको अपन डेल डॉट ई सॉरी ई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा इसके नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वो किसके साथ चला गया और इस साइड में क्या था अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी के साथ में, तो इन दोनों को अपन पहले एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि अपने पास थोड़ा सा इजी फॉर्म बन जाएगा, तो मैं डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस कैपिटल पी इज इक्वल टू रो, यहां पर ये जो रो है इस क्वांटिटी को एक वेक्टर से रिलेटेड करते हैं कि रो क्वांटिटी अपने पास एक किसी वेक्टर मतलब ये कोई अपने पास यहाँ जो एक वेक्टर है दोनों को मिला के और वो वेक्टर से रिलेटेड है उसको अपन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस कैपिटल पी इज डिफाइंड द वेक्टर क्वांटिटी डी देन डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एक फ्री चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड होता है और दिस इक्वेशन इज नोन द मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन पिकली इक्वेशन ये मैक्रोस्कोपिकली इक्वेशन कहलाती है जिसमें ई है मैक्रोस्कोपिक फील्ड पी है पोलराइजेशन डेंसिटी और डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है, इसको पूरा मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन है। अपने पास एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मिड में एक रिलेशन आता है जो अपन इसी इक्वेशन से आगे इसको अपन ड्राइव कर सकते हैं, हेलो आती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको अपन चाई से लिखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है ठीक है। तो अपने पास देखिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किससे डिफाइंड की जाती है कि पोलराइजेशन कैपिटल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन ई इज पैरेलल टू द ई, और जो इंड्यूस पोलराइजेशन होता है वो अप्लाइड फील्ड या उस मीडियम के रिजल्टेंट जो फील्ड है यहाँ मैक्रोस्कोपिकली स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिकली फील्ड के प्रोपोर्शन होगा, यहाँ जो प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट लगाया जाता है कैपिटल पी के टर्म में वो काई एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ इलेक्ट्रिक ससेप्ट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का भी अपने जो वर्ड्स है वो यूज करते हैं, तो कैपिटल पी और ई में रिलेशन ये होता है, और जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी है इज ऑल्सो लीनियरली ई,
और द रेशियो द प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट यहाँ ई इज डिफाइंड द जो ये एप्सनल है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी परमिटिविटी तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सनल और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाई को अपन डिफाइन कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू की डी इजकल टू एप्सनल ई पी इजकल टू काई ई इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें यहां पर तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखो एप्सन नोट ई काई एप्सन नोट ई इजकल टू डी इजकल टू एप्सनल ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट प्लस काई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन परमिटिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है और ये वैक्यूम परमिटिविटी ई मीडियम की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके वन प्लस काई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी टू वैक्यूम परमिटिविटी इज नॉन डिफाइंड दैट डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन प्लस काई इज ऑल्सो नॉन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपन इसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिलेशन बिटवीन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाई में रिलेशन है ये हो गया अपने पोंडरेबल मीडियम का एनालिसिस जिसके अंदर अपन यहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में रिलेशन को यूज करते हुए अपन एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सो डायलेक्ट विथ डायलेक्ट्रिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अब तक जो अपने इलेक्ट्रिक इमेज मेथड्स हैं जो प्रॉब्लम सोल्व की थी वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी कंडक्टर बाउंड्री प्रॉब्लम्स कंडक्टर में क्या होता है एट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो द परमिटिविटी इज द इन्फिनिटी ये बोला जाता है लेकिन डायलेक्ट्रिक है द पोलराइजेशन फेनोमेना बाय मीन्स व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन द सम टाइप मीडियम दे आर गेट ए पोलराइजेशन फेनोमेना मीन्स ऑफ दिस कंसिस्ट मॉलिकुलर एटम्स आर पोलराइज्ड अलोंग टू फील्ड एंड अलाइन प्रोसेस ए एक्सटर्नल फील्ड से पोलराइजेशन फील्ड बोलते हैं कि अपने पास एक मीडियम है जिसमें कंसिस्ट एटम टोटल पोलराइजेशन जीरो है एट इन एब्सेंस ऑफ फील्ड लेकिन जैसे इसके फिर फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ईच एटम इज पोलराइज इन सच वे नेगेटिव पॉजिटिव एंड अलाइन अलोंग टू फील्ड सच टाइप मीडियम इज नॉट द डायलेक्ट्रिक मीडियम और डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का जो फील्ड है मॉडिफाइड होता है ड्यू टू द पोलराइज इस फेनोमेना इज कि ईच एटम्स आर द प्रोसेस ए डायपोल मोमेंट दिस फेनोमेना इज अ पोलराइजेशन इसको अपन पोलराइजेशन कहते हैं तो देखिए अपने पास यहां पोलराइजेशन को डिफाइंड करने के लिए एक अपने पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करेंगे विथ डायलेक्ट्रिक मीडियम ठीक है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विथ डायलेक्ट्रिक मीडियम डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज द है द फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट फॉर द कंडक्टर इज द इनफाइनाइट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू अबव टू वन होगी तो देखिए अपने पास मैं एक कंडीशन या अपन एक प्रॉब्लम एज्यूम करते हैं इज नॉट द जेड बराबर जीरो प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट यहां पर ऐसे एजू ओरिजन ये इज द जेड एक्सिस है बाय दिस इंटरफेस बाउंड्री मीन्स जेड बराबर जीरो प्लेन इज ए इंटरफेस बाउंड्री बाय विच सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ परमिटिविटी इज एप्सिलॉन वन
इन राइट साइड इन एप्सन टू इन लेफ्ट साइड। ये दो मीडियम है अलग अलग, मान लो इस साइड वाला मीडियम है वो बॉन्डेड है किसी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के द्वारा एप्सन वन से, हो सकता है एप्सन टू इज ऑल्सो विद फ्री स्पेस है कंडक्टर, जिसलिए अपन आवर प्रॉब्लम इज रिड्यूस फॉर द कंडक्टर बाउंड्री या फ्री स्पेस बाउंड्री के लिए अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास बाउंड्री एज्यूम कर ली, दो मीडियम एज्यूम कर लिया, इंटरफेस जेड बराबर जीरो ले लिया। प्रॉब्लम है कि अपने पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज अम्बोडेड या बाउंडेड या सराउंडेड बाय डायरेक्टली मीडियम एप्सिलॉन वन, मतलब मीडियम इन द फर्स्ट, ये रीजन मान लेते हैं रीजन फर्स्ट जेड बराबर ग्रेटर देन टू जीरो, और एक दूसरा सेकेंड रीजन है रीजन टू इन जेड लेस देन जीरो। दो मीडियम सेपरेट अपन जेड ऑप्शन और परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टू डिफरेंट डिफरेंट कर ली, और एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू फ्री एक्सिस चार्ज मान सकते हैं ये, बट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इंड्यूस फील्ड इज मीडियम इज पोलराइज्ड एंड इंड्यूस द अदर बॉन्ड चार्ज। तो अब अपन को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ आर मीडियम, पोटेंशियल पहले फाइंड आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फिर एट द बाउंड्री इंड्यूस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, इसको पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अपने पास ये जो प्लस पॉइंट क्यू चार्ज है उसके कारण अपना मीडियम पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइजेशन के कारण बाउंड्री पर एक चार्ज इंड्यूस होगा, वो अपन पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले अपन को कोई इलेक्ट्रिक इमेज मेथड यूज करके अपन दोनों मीडियम में वेल डिफाइंड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे, मतलब फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके पोलराइजेशन डेंसिटी कैपिटल पी फाइंड आउट करेंगे जो ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन है, और पोलराइजेशन कैपिटल पी डिफाइंड हो जाएगा। तो पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन तो ये होता है बॉन्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डायवर्जेंस ऑफ कैपिटल पी, लेकिन अपने पास एक इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी को नॉर्मल वेक्टर से अपने यहां समझ करते हैं पी डॉट एम कैप, ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन नॉर्मल टू बाउंड्री हो। तो अपने पास दो मीडियम है, तो दोनों मीडियम पर जो रिजल्टेंट पोलराइजेशन होगा रो पोलराइजेशन, उसको अपन कैसे निकालेंगे, माइनस पी टू माइनस पी वन डॉट एन टू वन, मतलब वन से टू की और एक यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, ये नॉर्मल निकालना, मतलब डॉट का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट निकालना पी का। तो अपन को पोलराइजेशन इन मीडियम टू पोलराइजेशन इन मीडियम फर्स्ट फाइंड करना है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन ई टू चाहिए, और ई वन ई टू निकालने के लिए पोटेंशियल फाइव वन और फाइव टू चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि ये जो अपनी प्रॉब्लम है इससे अपन पोटेंशियल इन बोथ आर रीजन डिफाइंड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोलराइजेशन पी, और फिर इंड्यूस पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन बॉन्ड चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री सरफेस पर निकालना है। तो देखिए अपन इलेक्ट्रिक इमेज मेथड के अकॉर्डिंग या अपने यहाँ पोलराइजेशन फेनोमेना यूज करते हैं पहले, कि लेट आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पी, ठीक है, अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, पी है, और इन मीडियम फर्स्ट मतलब जेड बराबर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब ये मान लें कि इस मीडियम की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है, पूरा क्लोज बाउंड्री एप्सिलॉन वन, इसका कोऑर्डिनेट रो फाई जेड है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रॉब्लम एज्यूमेटली फाई सिमेट्रिक होगी, इसलिए अपन इजिली एनालिसिस होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अपने पास यहाँ रो फाई जेड का कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है। अब अपन को पता है कि यहाँ पर जो क्या है प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण ये जो रीजन है वो पोलराइज होगा, और पोलराइज होने से इस रीजन की एक क्लोज बाउंड्री लेंगे, उस क्लोज बाउंड्री में एक इफेक्टिव चार्ज मतलब इसमें प्लस या नेगेटिव का, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज इंक्लूज्ड होगा, तो इसका इफेक्टिव चार्ज अलग हो जाएगा ड्यू टू द पोलराइजेशन, और मीडियम अपना एप्सिलॉन वन है, तो मतलब यहाँ पर नेट फॉर दिस एट दिस पॉइंट क्यू। अब देखो लेकिन अपन जिस मीडियम क्यू में अपन एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम
को अपन रिप्लेस कर देते हैं बाय द परमिटिविटी एप्सिलॉन वन। यहां पोलराइजेशन को टेक नहीं कर रहे, यहां परमिटिविटी एप्सिलॉन ले लिया। सेकंड मीडियम में भी फिल्टर कारण पोलराइजेशन होगा और वो इमेजिनरी मैटर के द्वारा, मान लो कि इसी पॉइंट से यहां पर अपने पास एक कोऑर्डिनेट है रो फाई जेड, तो माइनस जेड के ऊपर यहां पर एक चार्ज इंड्यूस होगा, इसको नाम है क्यू डैश दे दिया। ये चार्ज क्यू डैश यहां पर क्यू इंड्यूस हुआ ड्यू टू द इंड्यूस फील्ड बाय प्लस क्यू इन सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम इज रिप्लेस इज एप्सिलॉन, वहां जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है वहां पोलराइजेशन एज्यूम नहीं कर रहे, पोलराइजेशन मीडियम और सेकंड मीडियम में कर रहे। तो इस पीस से इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस अपन मेजर करें, ये मान लो कि कैपिटल आर वन और एक कैपिटल आर टू। इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में ले लिया कि अपने पास रियल चार्ज पॉइंट क्यू फर्स्ट मीडियम में था और फर्स्ट मीडियम में अपन क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्टैंड कर रहे हैं, और सेकंड मीडियम में पोलराइजेशन से कोई इमेजिनरी चार्ज जो पोलराइजेशन को अपने सेंटर पर मान लिया वो क्यू डैश है और वो इसके मिरर पॉइंट पर है। अपने इमेज इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में ही करते हैं। तो दोनों डिस्टेंस आर वन और आर टू, जब ये फाई सिमेट्रिक है और इसका कंपोनेंट जो फाई कंपोनेंट जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर फाई बराबर जीरो पर ये पॉइंट स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर जेड एक्सिस के ऊपर फाई ऑल्सो भी जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जेड और रो कंपोनेंट, रो किस पर डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट रेडियल डिस्टेंस, और जेड अपना इमेजरी जो पॉइंट अपने पास है रियल पॉइंट और इमेजरी पॉइंट की लोकेशन है। तो अनरूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, तो रो का स्क्वायर रो माइनस जीरो, यहाँ पर तो रो जीरो है, प्लस दूसरा कंपोनेंट जेट, यहाँ कोऑर्डिनेट के रो फाई जेट, और यहाँ पर अपन इसकी जेट की वैल्यू मान लो कि एट ए डिस्टेंस पर है, तो ये भी ए डिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ जेड बराबर ए है, तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आर वन हो गया। आर टू इजकल टू रो स्क्वायर प्लस वहाँ जेड माइनस जेड प्लस ए का स्क्वायर हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की अपन रियल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और इमेजरी पॉइंट चार्ज क्यू की डिस्टेंस जहाँ फाइव जीरो प्लेन के अंदर एक्स प्लेन पर मतलब एक्स जेड प्लेन है तो वहाँ फाइव जीरो है, तो फाइव जीरो पुट करके अपन ने ये सिंप्लीफाइड डेविएशन है। तो पोटेंशियल, अब देखो दूसरे रीजन में यदि इन रीजन जेड लेस तो वहाँ पर जेड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और तो कोई सिमेट्रिक रूप से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी इन रीजन फर्स्ट, पोटेंशियल फाई वन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन वन आएगा, क्या एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, फर्स्ट मीडियम ले रहा हूँ, तो इसमें दो पॉइंट चार्जेज है, पहला कौन सा है क्यू, डिस्टेंस कितनी है उसकी आर वन, प्लस क्यू डैश उसकी डिस्टेंस है आर टू, वो नेगेटिव पॉजिटिव इमेज चार्ज की वैल्यू अपन को पता नहीं है अभी, दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट आर वन आर टू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन वन क्यू या अंडर रूट रो स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू डैश रो स्क्वायर जेड प्लस ए का होल स्क्वायर। ये फाइव वन आ गया, पोटेंशियल फाइव वन का एक्सपेंशन आ गया ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द इमेजिनरी मेथड, और दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज रिप्लेसिंग मीडियम सेकंड। इस मीडियम को अपन सिमेट्रिक रूप से कहाँ कौन से मीडियम में ले जाएं, सेकंड मीडियम में ले जाएं, तो मिरर पॉइंट जेड की जगह माइनस जेड कर दें, तो फर्स्ट मीडियम में पोलराइजेशन होगा, सेकंड मीडियम तो अपन एप्सिलॉन टू से रिप्लेस कर देंगे अपना मीडियम है कोई, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन टू कर देंगे, लेकिन फर्स्ट मीडियम में पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन का चार्ज एक्स्ट्रा क्यू के साथ में कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो वो क्यू डबल डैश को इफेक्टिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन सेकंड मीडियम में मतलब ये है फोर जेड ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट रीजन के लिए, सेकंड रीजन में फाइव टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन टू लगा दिया यहाँ पर परमिटिविटी,
और वो इफेक्टिव चार्ज क्यू डैश प्लस मीडियम एट सेंटर क्यू, क्यू के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज पोलराइजेशन से और इंक्लूड हुआ क्यू डबल डैश, और वो डिस्टेंस है आर वन ऑप्शन पॉइंट की, जहां जेट इज लेस जीरो, मतलब जेट की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पर। तो अपन आर वन का फॉर्मूला लिख दो, लेकिन कंडीशन है कि जेट नेगेटिव है, 4π ε2 क्यू डबल डैश रो स्क्वायर प्लस जेट माइनस ए का स्क्वायर, जहाँ जेट इज लेस दी। तो ये सेकेंड मीडियम का पोटेंशियल हो गया और ये फर्स्ट मीडियम का पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक इमेज मेथड से अपने दोनों मीडियम में पोटेंशियल फाइव वन फाइव। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इसकी पोटेंशियल या इमेजरी जो अपने पास इमेजनरी चार्ज लोकेशन मैग्नीट्यूड अपन एज्यूम करते हैं, इस शुड बी सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर अपन इंटरफेस जेट बराबर जीरो पर है, जीरो के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर दोनों फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस होने चाहिए, या अपन किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कंटिन्यूटी अपने पास एक बाउंड्री कंडीशंस डिफाइंड की थी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंटिन्यूस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट इज डिसकंटिन्यूस बाय द फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बट देयर आर नॉट एग्जिस्ट द फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ तो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, फ्री चार्ज है ही नहीं। अब मैं ये वैल्यू रखूंगा, पहले अपने बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बाउंड्री कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और वो डी कैसे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड आए, ई और नॉर्मल कंपोनेंट ई जेट, जेट वाला बाउंड्री पर नॉर्मल होगा, तो एप्सिलॉन वन ई वन जेट मतलब फर्स्ट मीडियम का जेट कंपोनेंट इज इक्वल एप्सिलॉन टू ई टू जेट, प्लस सिग्मा इज जीरो है फ्री चार्ज डेंसिटी, मतलब कहाँ पर ये जेट बराबर जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्स कंपोनेंट ई एक्स वन बराबर ई एक्स टू, तो यहाँ x कंपोनेंट y कंपोनेंट जेड अपन रो 5 में दे रहे हैं, और y कंपोनेंट ऑल्सो भी कंपोनेंट कंटिन्यूस, मतलब ये दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट की कंडीशन है। तो मतलब अपने पास बाउंड्री कंडीशन के लिए यहाँ एक तो 5 डिपेंडेंट है, एक का इसमें से यूज करना है, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट जेट है, जेट के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट अपना रो है, रेडियल कंपोनेंट ठीक है जो क्या है बाउंड्री पर टेंजेंशियल है, और जो रो है वो बाउंड्री पर क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डी डिस्प्लेसमेंट कैसे एप्सिलॉन ई डी होता है, तो 1 1 2 2, तो जेड बराबर पहले अपन बराबर करके डी निकाल के उसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन और ई टू चाहिए, उसे फिर जेड कंपोनेंट और फाइव कंपोनेंट डिफरेंस अपन फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है टेंजेंशियल में रो है तो रो वाला कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए अपन रिलेशन होता है इज इक्वल टू ग्रेडिएंट फाइव होता है, तो अपन इसका रेडियल कंपोनेंट निकाल लें और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लें। तो देखो जेड कंपोनेंट तो क्या होगा डेल अपॉन डेल फाइव, ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव अपॉन डेल जेड, E रो कंपोनेंट क्या होगा माइनस वन अपॉन रो डेल फाई अपॉन डेल रो, ठीक है आर वाला जो कंपोनेंट, तो अपन फाई कंपोनेंट की रिक्वायर नहीं है, दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट है जेट वन है तो फाई वन लगा देंगे, जेट टू एयर रो वन है तो फाई वन लगा देंगे, और टू निकालना है तो फाई टू का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट है उससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन जेड ई टू जेड ई एक्स वन, मतलब यहाँ एक्स वन है रो टेंजेंशियल कंपोनेंट में रो फाई आता है तो फाई कंपोनेंट है नहीं रो कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है तो रो कंपोनेंट की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों बाउंड्री दो बाउंड्री कंडीशन से यूज करके इसमें दो कॉन्स्टेंट है क्या
क्यू डैश और क्यू डबल डैश जो अपने एज्यूम किए हैं और वो फाइंड हो जाएंगे तो पोटेंशियल परफेक्टली फाइंड हो जाएगा अपने पास कोऑर्डिनेट में। फिर अपन पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, पोटेंशियल कैपिटल पी निकाल लेंगे और इंड्यूस चार्ज डेंसिटी रो निकाल लेंगे। तो अपन को इन बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए अपन को क्या फाइंड आउट करना है, क्यू डैश और क्यू डबल डैश, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में परफेक्ट पोटेंशियल फाई वन और फाई टू आ जाएंगे और फिर उनसे अपन परफेक्टली ई वन ई टू निकाल लेंगे और फिर उनसे पी वन पी टू निकाल लेंगे, रेजिडेंसिटी फॉर्मूला कर लेंगे। ये अपनी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो देखिए अपन नेक्स्ट में ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक्स, ओके, कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं।